हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सरकारी जॉब से रिलेटेड संबंधित यानी कि सरकारी जॉब से संबंधित इंपॉर्टेंट सूचना लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, सूचना क्या है वो तो आप दोस्तों हमारी यानी कि थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। ओके दोस्तों, एक नोटिफिकेशन यानी कि एक निकल के आया दोस्तों यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। दो लास्ट अपडेट, ये हमारा कल का नोटिफिकेशन है। ओके दोस्तों, चलिए यानी कि दोस्तों अब ये क्या किया, ये नोटिफिकेशन किसके लिए, ये एक दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए। ओके, पद हैं हमारे 16,133 टोटल पद हैं दोस्तों। चलिए बताता हूँ क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या चीज़ें इसमें। चलिए देखिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक। ओके दोस्तों, यानी कि TGT के लिए दोस्तों कितने, 13,237 पद। ओके दोस्तों, यानी कि TGT के लिए 13,237 पद। और प्रवक्ता दोस्तों यानी कि प्रवक्ता दोस्तों होते हैं उनके लिए कितने हैं, PGT के लिए यानी कि 2896। ओके दोस्तों, यानी कि प्रवक्ता के लिए 2896। कुल पद हैं दोस्तों हमारे 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। ओके दोस्तों, ये चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पे, कहने के चांसेस हैं दोस्तों। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों को जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो सितंबर से अक्टूबर में आपको दिख सकता है। ओके दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सोमवार से दोस्तों बुधवार तक चली बैठक में, दोस्तों सोमवार से बुधवार तक बैठक हुई थी दोस्तों, चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि उच्चतर शिक्षा सेवा दोस्तों, उच्चतर सेवा दोस्तों कल के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तर्ज पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन से किया जाएगा। दोस्तों पहले क्या था, माध्यमिक शिक्षा हमारा करता था दोस्तों यानी कि वो नहीं, अब कौन करेगा दोस्तों, देखिए इसने क्या कहा था, उच्चतर शिक्षा सेवा दोस्तों अब ये भर्ती इसके अकॉर्डिंग कही आएगी। ओके दोस्तों, ओके पहले क्या करता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था हमारी वो भर्तियाँ कंडक्ट कराता था। ओके दोस्तों, लेकिन अब कौन कराएगा दोस्तों, यानी अब कराएगा उच्चतर शिक्षा सेवा, इसकी इन्होंने ये मांग की है। ओके दोस्तों, यानी कि शासन से किया जाएगा। वैसे तो पूर्व में चयन बोर्ड अपने स्तर से यानी कि अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अनुमति लेने की सहमति बनी है दोस्तों। ओके, बताया था मैंने अभी आपको, चयन बोर्ड ने पिछले साल जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी दोस्तों। ये आपको पता है, सूचना निकली थी आपसे। ओके, कि जो विद्यालय निरीक्षकों से थे उनसे खाली पदों की थे वो दोस्तों ऑनलाइन मांगी थी सूचना। ओके, तो उस समय प्रशिक्षित स्नातक के 30,236 दोस्तों, 30,236। चलिए आगे बताता हूँ, फिर देखना एक मिनट दोस्तों, 30,000 नहीं है, हाँ 30,260 ही दोस्तों, यानी कि एक मिनट दोस्तों, हाँ 30,260 दोस्तों। और देखिए और क्या दोस्तों, और प्रवक्ता के कितने थे, 6,695 पद रिक्त पदों की जानकारी मिली थी पहले। ओके दोस्तों, पहले कितने में थी, यानी कि 30,200 कुछ दोस्तों, 30,000 प्लस दोस्तों कुछ मारे थे यानी कि उसके, ओके TGT के लिए। और दोस्तों प्रवक्ता के थे, PGT के कितने थे, 6,695 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश भर के स्कूलों में छात्र संख्या के सापेक्ष पदों का सत्यापन कराया गया तो वास्तविक संख्या आधे से भी कम रह गई। ओके दोस्तों, कितनी रह गई, यानी पहले निकल के आ रही थी हमारी तो टोटल हो रहा था, तो हमारा दोस्तों ये कितना, यानी कि 36,000 के आसपास, यानी कि 33,000 के आसपास दोस्तों हमारा ये हो रहा था। ओके, टोटल उनकी संख्या, लेकिन दोस्तों जब वो कराया गया दोस्तों तो हमारे शिक्षक जो हमारे थे उनके खाली पर आधे भी नहीं निकले। ओके दोस्तों, तो देखिए आधे भी कम रह गए। प्रमुख सचिव आर रमेश कुमार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े एक प्रकरण में 6 जनवरी को दोस्तों राज्य सरकार के अधिवक्ता को भेजी गई सूचना के मुताबिक वर्तमान में सहायक अध्यापक के 13,237 पद हैं दोस्तों, और प्रवक्ता के कितने हैं, 2896 खाली पद हैं। ओके दोस्तों, तो इसके लिए पद चयन बोर्ड को मिल चुके हैं दोस्तों, इतने दोस्तों निकले हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही सूचना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और पल पल की अपडेट ऐसे ही सरकारी जॉब से पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे कोई प्रक्रिया अगर और निकलती है तो आपको ये मान चलिए मैं सूचना बहुत जल्द ही आप सबको पहुँचा दूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।